बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायमेंशन जो है ना वो थोड़े बहुत स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे न्यू में जाके आइसोमेट्रिक ड्राफ्ट में जाएं। तो जूम आउट करें आप, मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, फॉर इंस्टेंस एक सर्कल ले लेता हूँ और दूसरा एक कंसेंट्रिक सर्कल ले लेता हूँ। तो मैं सिंपली ओके ये है डायमेंशन। तो आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे ना ये ओके फॉर इंस्टेंस में ऐसे ही डायमेंशन यहाँ पे लिख लिए। यहाँ पे आप डायमेंशन के बाद भी आप अगर फॉर इंस्टेंस जो भी रेक्टेंगल वगैरह बना लिया है उसको कोई भी चेंज करने चाहिए ना डायमेंशन, तो डायमेंशन में जाके भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसा कि ये 26.25 है तो मैं सिंपली 30 कर लेता हूँ। ये देखें आप इसकी बढ़ गई साइज। एंगल के लिए मैं यहाँ पर है ना एंगल इसको क्लिक करूँगा, अगर आप देख सकें ना सिंपली ये एंगल, तो दो साइडों को मैं क्लिक करूं। अगर मैं चाहूं कि फॉर इंस्टेंस अगर मुझे लगे कि ये थोड़ा मुनासिब आ रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं साइज डायमेंशन की बढ़ा दूं। और अब देखें इसकी रेक्टेंगल इसकी जो है ना फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गई। और थोड़े बहुत ये तो आपने पढ़ लिया, ये स्टेट है, ये एंगल के लिए है, ये सर्कल में डायमीटर के लिए। इसका तो फॉर इंस्टेंस मैं पहले तो इसको छोटा कर लेता हूँ और फिर ये क्या कहता है डायमीटर, इसको सिंपली मैं क्लिक कर लेता हूँ। ओके सबसे पहले तो डायमेंशन को क्लिक किया, फिर सर्कल को क्लिक किया इस सर्कल को, और फिर मैंने अपने सर्कल को क्लिक किया तो ये मेरे सर्कल का डायमीटर हो गया। अब ये है कंसेंट्रिक सर्कल का डायमीटर, इसको मैंने क्लिक किया। तो थैंक्स।